विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में व्यापक विसंगतियों के निराकरण एवं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा सहित अन्य सुविधाओं की प्राप्ति के लिए सूबे के सभी जिलों में दौरा कर आंदोलन के को धार को तेज करने के लिए महासंघ ने मुजफ्फरपुर में हुए राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार ने की और आपको बता दें कि उक्त बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक प्रणय कुमार ने कहा कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 शिक्षकों के लिए अहितकारी है, इसमें संशोधन तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। प्रदेश महासचिव सह मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ छलावा कर रही है, महासंघ इसका प्रतिकार करेगा। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने कहा कि संगठन सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं प्रदेश कोषाध्यक्ष जिला अध्यक्ष शिवहर अशोक कुमार ने कहा कि जब तक राजकर्मी का दर्जा तथा अन्य सुविधाओं की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मृत्युंजय ठाकुर, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश गुप्ता एवं सहायक शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि नए शिक्षकों पर यह नियमावली लागू नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ मुंगेर प्रमंडलीय संयोजक जितेंद्र कुमार ने कहा कि ग्रीष्मावकाश होने को है, सूबे के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पूर्ण रूपेण पुस्तक उपलब्ध नहीं होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस बैठक में मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर के जिला महासचिव मोहम्मद असलम, जिला प्रधान सचिव बादल गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष शकील अहमद, संतोष कुमार, राजीव कुमार, मुकुंद कुमार, शशि शेखर गुप्ता, इंतजारुल हक तमन्ने, पंकज चौधरी, जमील अहमद विद्रोही, मोहम्मद गुलाब, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, रविंद्र कुमार, मुकेश कुमार मलकार, अंजू कुमारी आदि उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।